सीरियल पांडे स्टोर में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर सुमन की जिद बहुत ही बड़ा तूफान घर में ले आई है। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर धरा इन बच्चों को झूला गिरने से बचाने के लिए उनको डांट देती है थोड़ा सा। इतने में मोहल्ले की सारी औरतें उन उस पर चढ़ जाती है और कहती है कि तुम तो इस तुम्हारे अंदर ममता है ही नहीं, तो भगवान तुम्हें बच्चे देगा भी क्यों। और ताने भी सुना जाती है सुमन को कि तुम्हारे घर में कभी बच्चे नहीं होंगे और कोई ये सपना तुम्हारा सपना रह जाएगा, वंश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और सुमन भी उसको जवाब देती है, लेकिन उसके बाद वो बुरी तरह से टूट जाती है। तभी वहां पर मामी भी कहती है कि हाँ उसने सही कहा है, वैसे भी तुम्हारे घर में बच्चे तो होंगे नहीं। दूसरी तरफ अजय यहाँ पर देव समझाने की कोशिश करता है शिवा को कि आगे प्रॉब्लम क्या है तुम समझाओ, लेकिन तभी वो पास वाली आंटी आकर उसे कहती है कि तुम्हारी माँ पीछे से कितने बॉम्ब फोड़ रही, तुम जाकर देखो तो सही। और इतनी देर में सुमन धरा को भी सुना देती है और धरा कहती है माँ आप तो चुप करिए, आप तो थोड़ा शांत हो जाइए। और इस बात को सुमन बहुत बुरी तरह से ले लेती है और कहती है कि तुम मुझे चुप करवाना चाहती है, पहले तो लोग मुझे ताने सुनाते हैं और मुझे अब एक साल के अंदर अंदर बच्चा चाहिए। लेकिन बेचारी धरा उसको शांत करवाने की कोशिश करती है, इतनी देर में वो तो बहुत बुरी तरह से भड़क जाती है और दिखाया जाता है कुएं में जाकर छलांग लगा लेती है। और इतनी देर में शिवा देव सभी लोग आ जाते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं, सभी सुमन को बचाने की कोशिश कर रहे होते और अनीता भी उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मामी तो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान इसको अपने पास बुला लो। और सभी हालत घर वालों की हालत खराब हो जाती है, कोई कुछ रस्सी लेकर आ रहा था और गौतम तो सीधे कुएं में कूद जाता है और सुमन को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुमन कहती मुझे तो आज मरना ही है कुछ भी हो जाए। तो वहीं पर अब ये चारों ही दोनों सभी घर वाले मिलकर सुमन को बचा ही लेंगे, लेकिन सुमन की एक जिद है कि एक साल के अंदर अंदर मुझे मेरा पोता ही पोती चाहिए घर में। और धरा अब यहाँ पर बुरी तरह से टूट जाती है और कहती है कि पहले हम नहीं चाहिए था बच्चा, लेकिन अब तो चाहिए ना, और वो अब किसी भी कीमत पर बच्चा चाहिए। और गौतम के सामने बुरी तरह से रोते नजर आती है। अब देखना है कि गौतम और धरा दोनों ही मिलकर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि बच्चे का सॉल्यूशन निकालेंगे और जल्द से जल्द बच्चा चाहिए। अब देखना है इसका सॉल्यूशन क्या, नया तूफान इनकी जिंदगी में लेकर आता है।